अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप सभी के साथ अपनी जो ईद की शॉपिंग है मैंने ऑनलाइन की थी और क्या क्या ली थी ये आप सभी से शेयर कर रही हूँ, तो देखिए ज़रूर और फुल वॉच करें वीडियो को। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो ऑल बेल के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें आगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। और जो जो मैंने मीशो से ऑनलाइन बाय की हो इसके सारे जो कोड है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। तो ये है कुर्ता सेट जो कि बांधनी प्रिंट, हाँ इसी में ही है, ये रेयॉन कॉटन फैब्रिक में है। इस तरह से पैंट आ जाएगा इसमें और ये कुर्ता है, शर्ट का पीस है, रेडी टू वेयर है ये। और मैंने इसका जो साइज़ है एक्सेल मंगाई हूँ, तो मैंने इस बार रमज़ान में मतलब सारी शॉपिंग ऑनलाइन की हूँ और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बाहर जाने का रोज़ा रख के कोई मतलब इरादा नहीं हुआ ऐसा कुछ कि बाहर जाए और शॉपिंग करे और अपना टाइम वेस्ट करे, तो इसलिए मैंने सब ऑनलाइन ही मंगाई हूँ। कैसा लगा आप सभी को ज़रूर बताना। तो ये वन सेट है और इस तरह से इसके नेक पर गोटा पट्टी वर्क किया हुआ है और इसके पैंट पर भी, पैंट का जो बॉटम है वहाँ पर भी, स्लीव्स पर भी है। तो बहुत ही मतलब रिजनेबल प्राइस में मैंने मंगाई। और वैसे भी समर में गर्मी में जो ईद है तो ज़्यादा हैवी कपड़े पहन कर नहीं होते, तो ये पास से मैं आपको फैब्रिक दिखा रही हूँ। मैंने सोचा चलो ये सूट करके आप सभी को बताती हूँ कि मैंने इस ईद पर क्या क्या ली थी अपने लिए। तो अब आ जाते हम नेक्स्ट सैंडल पर। तो ये भी मैंने मीशो से ही बाय की हूँ और अंडर 500 में ही है सारी जो मेरी शॉपिंग है। तो मैं इसके जो कोड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो आप चेक कर लेना वहाँ से। तो ये रही सैंडल ब्लैक कलर की, मुझे बहुत ही प्यारी लगी और अंडर 500 में ही मेरी सारी शॉपिंग है। तो देखते रहे आगे तक के, आगे और भी है, कुर्ता प्लाजो सेट है, ईयरिंग है, बैंगल्स है, जो जो मतलब एक हमें जो ईद में लगता है वो सारी ही शॉपिंग मैंने ऑनलाइन की हूँ। तो ये कैसे लग रहे हैं ब्लैक कलर के फुटवेयर ज़रूर बताना कमेंट करके। तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ही मतलब क्या कहेंगे सिंपल सोबर वैसे ही पहनती हूँ मैं, तो इस तरह से मैंने बाय की हूँ। मैंने सोची चलो अपनी ईद की शॉपिंग आप सभी के साथ शेयर करती हूँ और इंशाल्लाह सोच रही हूँ आगे कंटिन्यू रहूँगा, अपने वीडियो अपलोड करूँ डेली। थर्ड है ये देखिए कुर्ता प्लाजो सेट, जो कि इसका कलर ही मुझे बहुत प्यारा लगा है और ये कलर मेरे पास नहीं था। और जो है बाहर हमारे यहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है तो उसकी आवाज़ आ रही होगी आप सभी को। तो ये भी एक्सेल है 42 नंबर और ये फॉइल प्रिंटेड है, वो प्रिंटेड था। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है कुर्ता प्लाजो सेट। ये इस तरह का बॉर्डर बना है फॉइल प्रिंट से इसके नेक पर और ये रहा पूरे ही कुर्ती पे मतलब शर्ट पर इस तरह से बूटे दिए गए हैं फॉइल प्रिंट के। और यहाँ पर ये देखिए दामन की साइड पे इस तरह से बॉर्डर है इसमें और प्लाजो जो है उस पर भी इस तरह से बॉर्डर है। ये इसका स्लीव्स है जो कि सिंपल सुपर मतलब समर के हिसाब से ही मैंने शॉपिंग की हूँ ईद की अपनी, क्योंकि ज़्यादा हैवी मुझे पहन कर नहीं होता है और वैसे भी ईद के दिन हमको तो ज़्यादा हैवी कपड़े पहन के नहीं होते क्योंकि घर में हम वैसे भी हैवी कपड़े नहीं पहनते हैं। और रही बात ईद के दिन, वैसे भी फिर आराम करने में सोने में ही जाता है, आपका कैसा गुजरता है ज़रूर बताना कमेंट करके। तो इस तरह से मतलब बहुत ही सिंपल सोबर है मेरी शॉपिंग।
अब ये देखिए अंडर 200 मैंने मंगाई हूँ अपनी ईयरिंग, जो कि सेट ऑफ टू है। एक बहुत ही प्यारा ग्रे कलर है और गोल्डन और वाइट कलर का है। तो चलिए देख लेते हैं अनबॉक्सिंग में भी कैसा है प्रोडक्ट और क्या मंगाई मैंने, कैसा है ईयरिंग। सॉरी ईयरिंग नहीं है, ये बैंगल्स हैं। हाँ ये ब्रेसलेट काइंड ऑफ बैंगल्स हैं कड़ा। तो ये बहुत ही प्यारे लगे मुझे, ये ऐसे ही शिमर का इसमें मतलब ग्लिटर का कुछ ये लगा है ऊपर में, मुझे लगा स्टोन है बट ये स्टोन नहीं है, स्टोन समझ के मैंने इसको बाय की थी बट मैंने बोली 178 में है और अब कौन रिटर्न करेगा, उतना टाइम भी नहीं है, ईद का टाइम नज़दीक था बिल्कुल तभी मैंने शॉपिंग की थी। तो ये देखिए इस तरह से ये बैंगल्स कड़ा है, दो सेट 178 रुपीज़ में, आपको दिखाऊंगा प्राइस इसका। तो ये भी काफ़ी सिंपल है एंड सोबर है। अब ये रहा हमारा इयररिंग, हमारा मीन्स मेरा तो ये सेट ऑफ टू है और बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में आया। ये देखिए इस तरह से बबल रैप किया हुआ और इसका जो बॉक्स है मतलब रखने का, ये भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अक्सर क्या होता है कि बॉक्स ऐसे ही आता है तो हमारी जो ज्वेलरी है ख़राब हो जाती है, या तो पॉलिश निकल जाएंगी या तो कुछ निकल जाता है उसका स्टोन वगैरह, ऐसा होता है हर बार। चलिए तो मैं रूम में आ गई हूँ और यहाँ थोड़ी नॉइस होंगी क्योंकि कूलर चालू है, फ़ैन चालू है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। बाहर का जो क्लाइमेट है काफ़ी अच्छा हो गया बट हवाएं बहुत चल रही है। तो अब ये दिखा देती हूँ मैं आपको ईयरिंग, बहुत ही प्यारी है ये। आई थिंक 200 की रेंज में है कि 185 रुपये, 200 ये अंडर 200। ये ग्रे कलर की ईयरिंग है और एक गोल्डन है। ये देखिए काफ़ी प्यारा बॉक्स है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये। तो कैसी लगी आप सभी को मेरी ईद की शॉपिंग ज़रूर कमेंट करके बताना, और अगर आप इसमें से कुछ भी बाय करना चाहते हैं तो इसकी जो लिंक है, मैं लिंक नहीं सॉरी इसके जो कोड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ से देखकर बाय कर सकते हैं। और फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। हाँ वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, यहाँ तक के वीडियो को वॉच करें तो। अल्लाह हाफिज़। Oh.